हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। व्लॉग कुछ इस तरह से है कि ये था तकरीबन लास्ट फ्राइडे की रूटीन, और बस कुछ ये था कि जो कल मेहमान आए हुए थे, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बस उन मेहमानों का यही क़याम था। और अब मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे ना सुबह सुबह उठ के आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि ये समझ लें कि आटा गूंदना ही मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो आधा काम मेरे लगता है ख़त्म हो जाता है अगर आपके फ्रिज में आटा पड़ा और सुबह उठ के हमने बस जल्दी से पराठे वगैरह बनाने। तो लेकिन यहाँ जी का मामला अलर्ट ही था कि जब मैं उठी तो आटा मैंने देखा ही नहीं रात में कि गूंदा हुआ नहीं है। तो पहले सुबह उठ के मैंने फिर आटा गूंदा ताकि थोड़ी देर वो सेटल्ड हो जाए। उसके बाद ही मैं बना रही थी मैंगो लस्सी। अब आमों का सीज़न शुरू हो गया है, तो अब समझ लें कि लस्सी का ना फ्लेवर यूँ ही बनता रहना है। पहले जो मीठी या नमकीन हम पीते थे ना, अब हमने वो छोड़ दिए और आम जो है ना, अब आम वाली लस्सी हमने पीना शुरू कर दी है। तो बस जी, बाकी जो बचा था दही, जैसे कि दही घर पे ही जमा रहे हैं, तो एक मैंने सर्विंग बाउल में डाल के उसको रख दिया ताकि नाश्ते के टाइम जब पराठे वगैरह बन जाएंगे तो ये चीज़ें फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट टेबल पे रख दूँगी। होता ही है हमारे घर में इतनी कोई जल्दी मचाते हैं ना, अभी भी नाश्ता बनाने से पहले, हालांकि अभी मुझे किचन में आए हुए सिर्फ 15-20 मिनट हुए थे, तो बना नहीं कि दो दफ़ा मुझे फ़ोन भी आ चुका है। तो बस मैंने कहा अब जब बन जाएगा तो मैं ख़ुद फ़ोन करके कह दूँगी जी कि अब बन गया है, आप खा लें। असल में इन लोगों को था कि हमने जाना है मार्केट, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता बना दो, और हम मार्केट का काम कर रहे हैं और फिर जुमे की नमाज़ के फ़ौरन बाद बस का टाइम था, तो ये भी था कि नाश्ता करके अपना काम करके और फिर हमने चले जाना है, मतलब कि जुमा पढ़ने और आके वहाँ से निकल जाना है। तो बस ये आज मैं ऑमलेट बन गया था। ऑमलेट के सिंपल अंदर वही प्याज टमाटर जो सारी चीज़ें डाली हैं, ऊपर बस मैं थोड़ा सा डेकोर करने के लिए ना, इस तरह मैंने टमाटरों को गोल गोल काट के ना ऑयल में थोड़ा सा कलर दे दिया था, डार्क सा। बस इसका कोई वो फ्लेवर का कोई वो नहीं है, मतलब समझ लें गेम नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए या कह लें कि शो मारने के लिए मैंने ऊपर इस तरह रख दिए थे। तो पराठों में जी मैं बना रही थी स्क्वायर शेप, तो इसमें थोड़ी सी ये कि डबल मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप गोल पेड़ा बना के उसे बेलते हो, उसके अंदर फिर ये ऑयल शॉयल लगा के और फिर उसे स्क्वायर शेप देते हो, लेकिन ये कि थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, मतलब मज़ा आता है इनको खाने का। तो ये है कि एक बार अगर आप पेड़े बना के एक साथ रख लो ना, तो फिर बेलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फ़ौरन आप बेलते हो और फ़ौरन से वो बन जाता है। तो बस अंडा शंडा मैंने बना के सब चीज़ें मैंने टेबल पर रख दी थी, और इसी तरह मेरा पराठा भी है, लास्ट ही था, बनाऊंगी और इसे सर्व कर दूंगी। उसके बाद जी मैंने बस थोड़ा सा ये काम करना था कि कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करने थे और उनको करना था हैंग, क्योंकि लाइट का भी है ना अपना एक मखसूस टाइम है, उससे वो पीछे पहले तो चली जाती है लेकिन बाद में जो है ना वो 1-5 मिनट भी वेट नहीं करती। तो इस वजह से ये कि लाइट जाने से पहले पहले ही काम हो जाए, जुमे वाले दिन थे, तो इस पे आप कोई रिस्क भी नहीं ले सकते कि अगर कपड़े ना प्रेस हों तो चलो यार काम चल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस मुझे ये था कि नाश्ता सर्व करके जल्दी से मैं जो ना अपने इस्त्री वाले तरफ चली जाऊँ, और ये था हमारा नाश्ते का टेबल। मैंने नाश्ता सारा रख दिया था, बस चाय की कमी थी, चाय मैंने रखी हुई थी। असल में चाय का बड़ा सीन है कि इनको ना बहुत मुश्किल से चाय पसंद आती है, थोड़ी ज़्यादा पकी हुई हो, थोड़ा उसमें फ्लेवर भी आया हुआ इलायची का और बाकी सारी चीज़ों का। तो चाय बनाते हुए ना अक्सर, क्योंकि मैं खुद चाय पीती नहीं हूँ, जो बंदा खुद होता है ना कोई चीज़ खाता है या पीता है, तो उसको उसके फ्लेवर का बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो। मैंने कभी चाय पी नहीं, ना मुझे अच्छी लगती है, तो मेरे लिए चाय बस ऐसे ही है, समझो पानी है मीठा। तो इन ये चाय लवर हैं, इनको पता भी है कि चाय का टेस्ट कैसा होता है, तो फिर वो कहेंगे ये ऐसी नहीं है, ऐसी बननी चाहिए थी, इसमें चीनी ये है, मतलब चीनी है, तो खैर कभी एतराज़ नहीं करते क्योंकि इनको होता नहीं है कि चाय ज़्यादा मीठी हो, अक्सर मीठी पीते भी नहीं है, पर ये कि जायका ऐसा नहीं था, थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि कोई ना मुझे चाय वाय बनानी सीखनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें तो इनको पसंद आ जाती हैं, लेकिन एक जो चाय है ना जिसका फ्लेवर मुझे खुद नहीं पता कि भाई होता क्या है, तो वो मैंने अब सीखनी है कि वो कैसे बनती है। तो जी उसके बाद मैं दोपहर के खाने की प्रिपरेशन की तरफ आ गई थी। तो खाना कुछ मैं बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ, दाल चावल, तो उसके साथ मैंने कहा चलें थोड़ी सी सलाद अच्छी सी कर लेती हूँ और कटलेट्स बना लेती हूँ। तो मैंने 3 अदद प्याज लिए थे और उनको इस तरह गोल गोल रिंग्स की शेप में काट लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने ना लाल मिर्च डाली है।
तो और मैं इसके अंदर इतना सिरका डालूंगी कि प्याज तैरे भी ना, आपने बस डुबोना नहीं है प्याज़ों को, बस हल्का सा गीलापन सा आ जाए ना प्याज़ों में, तकरीबन ये समझ लें कि इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था। मैं अंदाज़ा इसलिए नहीं दे रही कि कोई प्याज मोटे होते हैं कोई पतले होते हैं, मैंने 30 प्याज लिए थे, तो बस इतना करना है कि ये तैरते हुए नज़र ना आए और हल्का हल्का सा गीलापन सा आपको महसूस हो, बस हल्का सा। और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना मैंने इस तरह बाद में केचप डाल दिया था, और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये खट्टे मीठे से प्याज ना आपको दाल चावल के साथ बहुत मज़ा देंगे। वैसे तो अगर आप कहीं बारबेक्यू वगैरह करते हैं या किसी बारबेक्यू वगैरह कहीं से ख़रीदते हैं तो इस तरह के प्याज अक्सर लोग सर्व करते हैं और वो बड़ा मज़ा देते हैं। तो आगे आ भी बड़ी ईद रही है, तो अक्सर लोग घरों में बारबेक्यू करेंगे, बल्कि अक्सर क्या 99% लोग करते ही हैं, तो उसमें अगर आप इस तरह के प्याज बना के सर्व करें तो मज़ा आ जाएगा। तो इसमें ये भी नहीं है कि कहते हैं ना थोड़ी प्याज की कड़कन सी होती है या अजीब सी जो चुभन सी होती है, वैसा नहीं है। जब हमने इन्हें सिरका और नमक लगा दिया है ना और केचप, तो इसको फ़ौरन आप ना बनाइएगा, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले बना के रख लीजिएगा, तो इसकी वो जो कड़कन सी होती है या इसका यार वो जो टेस्ट होता है, मेरे अल्फाज समझ नहीं आ रहे कि क्या कहते हैं उसको, या कहें ज़ेहन में नहीं आ रहे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी इसके ऊपर बस मैंने धनिया जिस तरह रख दिया था ताकि ये अच्छे लगें थोड़े से, और थोड़ा सा जो है साइड में लेमन काट के रख दिया था। तो मैंने सबसे पहले प्याज ही बनाए थे ताकि इसके अंदर से वो जायका जो प्याज़ों का होता है ना थोड़ा सा वो ख़त्म हो, और इसको मैंने रैपिंग शीट में इस तरह क्लिंग शीट में रैप करके फ्रिज में रख देना था। तो बस जब सर्विंग का टाइम होगा तब मैं इसे फ्रिज से निकाल लूँगी। दूसरी तरफ मैं जो आ गई थी आलू वाले कटलेट्स की तरफ, बड़े ही मज़ेदार बने थे यकीन माने। इसके लिए मैंने 2 बड़े जो आलू हैं ना उनको बॉईल कर लिया था और बिल्कुल बारीक मैश कर लिया था, जो समझ लें कि थोड़ा सा 1.5 पाव से भी कम जो चिकन है ना, 1/2 पाव चिकन, उसको मैंने इस तरह बॉयल कर लिया था, मतलब समझ लीजिए मेरे पास बॉयल पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कैप्सिकम बिल्कुल बारीक काट कट के आधी कैप्सिकम डाली थी, 1 अदद प्याज डाला था, आधी बंद गोभी डाली थी, 1 हरी मिर्च डाली थी, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की थी और इसके अंदर डाल दी थी। इधर इसके अंदर जो जाएगा मसाला जात बहुत ही सिंपल है, आपके घर में अवेलेबल होंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून। बहुत ही हल्के और बहुत चाइनीज़ टाइप के ही कटलेट हैं, मतलब तो बहुत मज़ेदार से आप समझें, मतलब हल्के फुल्के मसालों से बने थे लेकिन बहुत अच्छा मज़ा दे रहे थे। और आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर जाएगी सफ़ेद मिर्च, अगर आपके घर सफ़ेद मिर्च ना हो पीसी भी तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें वो डालेंगी जो हम चाइनीज़ चावल या चाइनीज़ कोई भी चीज़ बनाते हैं ना उसमें डलती हैं, और इसका जायका भी बहुत कोई तुरसा नहीं होगा, हल्के लाइट वेट से होंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सोया सॉस गया है। बस जी इतने थोड़े से मसालों की ना, 4 से 5 मसालों की ये गेम है, और कबाब इंतहाई लाजवाब बने थे। और बस ये बना के अच्छा सा इनको मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से, और कबाबों की शेप दे के ना इन्हें मैं कर लूँगी फ्राई। तो ये जो कबाब है ना, ये अब मैंने वैसे थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे, मुझे ये था कि यार 10-12 बन जाएंगे, तो बाकी 10 बन गए थे मेरे में। इसमें मैंने अभी 1/2 टीस्पून के करीब ना लाल मिर्च डाली है। तो कबाबों की बात हो रही थी, हुआ ये कि बने तो ज़्यादा क्वांटिटी में थे लेकिन जितने हमने मतलब चावलों साथ खा सके बाकी सारे ही लोग, मतलब घर वाले भी और मेहमान एक ही थे हमारे घर, तो वो भी 1-2 ही उन्होंने खाए होंगे या जो भी, तो जितने हम खा सके बाकी सब ने वैसे ही केचप साथ या वैसे ही शौक से खा लिए। वैसे ही मुझे लगता है कि गर्मियों में कम मसालों वाले खाने ना ज़्यादा बंदे को जो है अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा दिल जाता है खाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाले जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस भी इनको मैं अब करूँगी पहले अंडे में डिप, और फिर मैंने इस तरह जो है ना मैदा ले लिया था, मैदे में इसको कोट कर लूँगी। तो आप ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, मैदे में कोट करने से ये होगा थोड़ी थिक सी कोटिंग बन जाएगी और वो आलू के जो कबाब है ना वो अच्छा से शेप उनकी आ जाती है। तो बस जो है मैंने फ़ौरन से इनको किया तो इस वजह से थोड़े से सेटल्ड नहीं लग रहे, तो मैं हाथ की वजह से सेट भी कर रही हूँ। तो जब तक हमारी दाल बन रही थी तो चावल वगैरह जब बॉयल होंगे ना उस टाइम मतलब कि मैं इसको कर लूँगी फ्राई। फिलहाल मैंने इनको रख दिया था तकरीबन 1/2 घंटे के लिए फ्रीज़र में ताकि सेटल्ड हो जाए। तो यहाँ हमारी दाल तकरीबन फाइनल थी, आज मैं बना रही थी साबित मसर, तो इसको मैंने लगा लिया इस तरह प्याजों और जो साबित लाल मिर्च है ना इसका तड़का, और साथ ही मैं कर लूँगी बॉयल चावल। इधर जी मीना साहिबा भी उठ चुकी थी, पर जुम्मे वाले दिन का एक ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि दादू घर पे थे, उनके मतलब पापा घर पे थे, तो ये उठते सारी बस जल्दी से इसने कपड़े चेंज किए हैं और ये नीचे भाग गई है।
तो बस पापा घर पे हों तो फिर वो अपने साथ ही मसरूफ़ रखते हैं, कभी बाहर ले गए, कभी जो है कोई चीज़ दिला दी, तो वो अभी तक ऊपर आई ही नहीं थी। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जुम्मे पे रवाना करके, मैं इनको मतलब इनके कपड़े वगैरह दे के, तो मैं अब जो है ना मैंने कहा था कि बस चावल बॉयल हो जाएंगे ताकि 1:30 बजे तक चावल भी फाइनल हो जाए, और इनका ये था कि मैं वहाँ से फ़ोन करूँगा तो खाना हमारा टेबल पर सेट कर देना, हमने इंतज़ार नहीं करना। तो बस ये था कि जिस तरह चावल हमारे दम पर गए ना, तो साथ ही मैंने वो जो कटलेट्स हैं वो कर लिए थे फ्राई, और आप नॉन स्टिक पैन में से दरमियाने से थोड़ी सी तेज़ आंच में फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ जो अंदर है ना वो कुक्ड है, सिर्फ हमने इसको ऊपर से ना कलर देना है। तो जब जी ऊपर से गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आप इसको उतार लीजिएगा। वैसे अगर आपने इन कबाबों को फ्रीज़ करना है ना, तब आप इसको थोड़ी सी जब निकालें तो मीडियम आंच पे फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर तक जो बर्फ़ वगैरह है ना जमी हुई वो ख़त्म हो जाए, और अगर फ़ौरन फ़ौरन कर रहे हैं तो आप तेज़ आँच पर भी इसे अच्छा सा कलर दे सकते हैं। तो बस ये देख लें, बहुत प्यारा सा जो है ना कबाबों का कलर आया, और इनकी भी अब आ गई थी सर्विंग की बारी। तो सारे ही मैंने फ्राई कर लिए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, और सारे टाइम जो है ना मैं अब कुछ ऊपर सर्व कर दूंगी, और कुछ जो है ना मैंने नीचे भेज दिए थे पापा वालों के खाने के साथ। तो जी इधर मैं आपको करीब से दिखाना चाह रही थी कि कितने परफेक्ट से ये जो है ना कबाब बने, और खाने में भी ना ये बड़े ही मज़ेदार लजीज किस्म के हैं। तो जी हाँ, हर चीज़ फाइनल थी, बस मैंने अब ना खाना टेबल पर रखना था। उससे पहले मैं रूम में आई थी, जैसे कि मुझे बिल्कुल आज टाइम नहीं मिला था कि मैं देखूँ यहाँ मीना सो रही थी, तो इस कमरे में तो मैंने बिल्कुल सुबह कदम ही नहीं रखा ना, कि जितनी देर तक एटम बम मतलब फूसी रहे, सोया रहे, उठ गया तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है। वाकई ऐसा होता है, अब जब जो काम आपने 10 मिनट में करना हो ना वो 20 से 30 मिनट में हो जाता है अगर बच्चे उठ जाएँ तो बस यही होता है कि जब तक ये सोई है ना, फिर मैं कमरे से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, खुद उठ के आवाज़ दे तो मैं कमरे में जाती हूँ, वरना मैं आराम से ना दबे पाँव बाहर काम करती रहती हूँ। तो जी इधर मैंने खाना सर्व कर दिया था, क्योंकि मुझे आ गई थी कॉल कि हम बस वहाँ से निकल गए और खाना टेबल पे रख दिया, वरना हमने खाना नहीं है, हमारी बस है। तो मैंने कहा यार इतनी मेहनत की है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना खाए बगैर चले जाएं। तो मैंने खाने को रख दिया था टेबल पे, और यहाँ पे बस मैं आपसे लूँगी इजाज़त। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।